सिंगरौली की कोल खदानों में निकले कोयले को देश प्रदेश के कई पावर प्लांटों में भेजा जाता है, जहां इस कोयले से बिजली तैयार की जाती है, लेकिन कोयले में मिलावट की जा रही है। इस जानकारी के आधार पर पुलिस ने छापा मारा और कोयला यार्ड से सैंपल एकत्र कर जांच के लिए भेज दिए। कोयले में मिलावट की सूचना पहले भी पुलिस को कई बार मिल चुकी है। पुलिस प्रशासन ने इस बार एक्शन लेते हुए छापेमारी की और सभी कोलयार्ड से सैंपल एकत्र कर एनसीएल की मदद से जांच के लिए भेज दिए। जांच रिपोर्ट आने पर ही आगे कार्यवाही की जाएगी, लेकिन प्रशासन की इस कार्रवाई पर कई सवाल खड़े किए जा रहे हैं। जैसे एक तरफ रेलवे इस मिलावट को रोकने के लिए कोई कार्य नहीं कर रहा है, वहीं दूसरी ओर कोयला पाने वाले प्लांटों को भी कोई शिकायत नहीं है, तो क्या प्रशासन की ये कार्रवाई सिर्फ दिखावा है? सैंपलिंग अभी तो प्रथम दृष्टया कुछ पाया गया है। सैंपल के जब कोई रिजल्ट आ जाएगी तभी उसमें कुछ स्पष्ट हो सकता है। सैंपलिंग समझ संख्या मात्रा में नहीं है। जहाँ भी इस प्रकार की शिकायतें मिलती हैं, चाहे वो साइडिंग के, अभी बेसिकली जो मेन शिकायत प्राप्त हो रही थी वो कोल साइडिंग को लेकर थी। कोल साइडिंग के अंदर इस प्रकार का खेल चल रहा है कि वहाँ पे उसमें कुछ कुछ चीजें मिला दी जा रही है, तो उस चीज को संज्ञान में लेकर उसमें संयुक्त कार्रवाई। मध्य प्रदेश की महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण के उद्देश्य से संवेदनशील मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना का उपहार सभी पात्र महिलाओं को दिया गया है। इसके तहत उन्हें प्रतिमाह 1,000 रूपए दिए जाएंगे। ये राशि सीधे उनके बैंक खातों में पहुंचाई जाएगी। योजना की प्रक्रिया बेहद सरल और निःशुल्क है। योजना से जुड़ने के लिए बहनों को कहीं भटकने की आवश्यकता भी नहीं है। 10 जून को पहली किस्त बहनों के खाते में आ जाएगी, 1,000 रुपया की पहली किस्त। योजना से जुड़ी अधिक जानकारी हेल्पलाइन नंबर 07552700800 एवं वेबसाइट cmlaadlibehna.mp.gov.in पर प्राप्त की जा सकती है। वो खबरें जो आपके काम की है, वो खबरें जो आपके लिए जरूरी है, हर आम और खास से जुड़े मसले, हर मसले का सटीक विश्लेषण हम करते हैं, सत्य का अन्वेषण। दखल न्यूज़ आपके हक में। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।